हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बढ़िया ही रहना। तभी हम लोग मोराबादी में हैं, तो मोरपोड़े वाला रोड में, तो टाइगर हिल से पहले और हिल साइड में मोराबादी के लिए जाता है, सामने में है। तो अभी हम लोग करमटली चौक पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षण में। हरी सिंह रोड है, हरियर सिंह रोड। तो इधर पूरा झंडा वंडा बजने वाली का दिखता हुआ, तो पूरा बिजी रास्ता है, बोड़े वाला रास्ता है ना ये वाला, इसलिए। और अभी काफ़ी धूप लग रहा है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है भाई से। हाँ, करमटोली लेकर निकलते हैं। करमटोली चौक होते इधर मोराबादी मैदान, यहाँ पर सामने में हॉकी स्टेडियम, उसके बाद अंदर में है फुटबॉल स्टेडियम है। ओ भाई, तो हम लोग अभी करमटोली चौक पहुँचने वाले हैं, उसके बाद करमटोली चौक से लेफ्ट की तरफ जाएंगे फिर बोटी मोड़ वाला रोड में, फिर वहाँ से रिम्स के पास घूम के सीधे कोकर निकल जाएंगे। तो यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, कम से कम 2 किलोमीटर होगा, 2-2.5 किलोमीटर उतना ही दूरी पड़ेगा यहाँ से भाई, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। करमटोली चौक इधर अंदर से आने से और घूम के जाने से दूरी लगता है। अगर ललपुर तरफ से घूम के जाएंगे तो इधर से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत घूमना पड़ेगा और जाम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और कौन फ़ोन कर रहे, तो सामने करमटोली चौक है भाई। तो भाई ये करमटोली चौक सामने में देख रहे हैं, ये यहाँ सब जेल मोड़ और इधर राजभवन की तरफ जा सकते हैं। राजभवन, मोराबादी, रांची कॉलेज सब इधर से जाता है, तो आप उन लोग को जाना है बाएं। तो ये हम लोग बोटी मोड़ वाला रोड में है, अभी इसी में चलना है कम से 1-1.5 किलोमीटर, फिर अंदर घुसेंगे राइट की तरफ। और यहाँ पूरा इधर रेड लाइट लगा हुआ है भाई, रेड लाइट का मज़ा ले रहे हैं लोग। कार वाला का तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे चलते रहते हैं, बाइक वाला सबको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गर्मी पड़ता है ना, हेलमेट पहने तो अंदर पूरा मसाता है, इसकी वजह से ज़्यादा धूप गर्मी लगने लगता है भाई। सब चल रहे ऑटो, ये गाड़ी का कर रहे हैं यार, सब होने वाला है इधर। और यहाँ से देख सकते हो इधर नज़ारा कैसा दिखता है भाई। और यहाँ ब्रेकर है इसका, थोड़ा सा गाड़ी तो धीरे धीरे पार हो रहा है, तो हम लोग को भी धीरे ही पार होना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा गर्मी लगता हुआ भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी, पूरा जल रहे हैं आप सब। 2 दिन पानी आया तो बढ़िया लग रहा था, आज पूरा धूप कर रहे हैं तो पूरा पसीना छुटा दे रहे हैं। आई तो है मौसम का हाल, कुछ बदलता नज़र आ रहा है, फिर इसी में बीमार वीमार पड़ने का ज़्यादा चांस है। भाई साहब ऑटो पता है इसमें भरमार है, पूरा ऑटो ही ऑटो देखने को मिलता है। सब बोटिंग मोड़ के लिए जाता है ना यहाँ से, तो वहाँ से राजभवन के बाद बारियाती रोड से सीधे बोटिंग मोड़ के लिए निकलता है सब ऑटो उधर। ओ भाई साहब, गर्मी है। चलो कुछ छाने पहुँचेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा, गर्मी से हालात खराब है भाई साहब, बहुत हालात खराब है। यहाँ से बोटी मोड़ 6 किलोमीटर, बोड़िया 5 किलोमीटर। ओ भाई साहब, ब्रेकर बहुत ज़्यादा ब्रेकर बना दिया, पहले कुछ भी ब्रेकर नहीं थे वाला रोड में, धीरे धीरे सब बना दिया, सेफ्टी का देखते हुए सब बना दिया, क्या कहना, जरूरी है सब, क्योंकि सब बिजी रोड है ना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना सावधानी खुद बरतें, दूसरा का भी ध्यान रखें। कहाँ से जाएंगे डीआईजी? तो आगे से भीड़ भड़ा कर रहे हैं रिम्स से, तो अभी वहाँ नहीं जाते हैं, डीआईजी के पास निकल जाते हैं सीधे, यहाँ से सीधे डीआईजी ग्राउंड होते हुए भाई साहब निकल जाते हैं। तो ये सीधा रास्ता डीआईजी इधर निकालेगा, कोकर ललपुर सब इधर से निकल सकते हो आप लोग, शॉर्टकट रास्ता गाली पचा होते निकलना है।
भाई ब्रेकर। तो भाई इस तरह से हम लोग अब DIT ग्राउंड पहुंच चुके हैं, और यहाँ से अंदर अंदर होके निकलेंगे या साइड साइड होके निकल जाते हैं, अंदर नहीं घुसते ग्राउंड का, बस बाहर बाहर से होते निकलेंगे, क्योंकि अंदर से भी रास्ते हैं बाहर से भी रास्ते हैं, तो बाहर बाहर ही जाते हैं रोड रोड में, ग्राउंड के अंदर नहीं जाते हैं अभी। गाँव में ज़्यादा ब्रेकर है वैसे, इतना ज़्यादा ब्रेकर बनाते हैं ना यहाँ पर, कुछ है नहीं फिर ऐसा क्या, वो गाली है इसके वजह से यहाँ बनाए हैं। और यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ी सब रेस्ट करता हुआ, तो गए जिसको बोलते हैं DIG ग्राउंड में अभी हम लोग पधार चुके हैं। तो ये DIG ग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा है प्रैक्टिस, और यहाँ छोटा सा गौतम बुद्ध नागरिक उद्यान बन गया है बच्चे लोग के लिए। टुंग पिटोली है तो सटा हुआ DIG ग्राउंड के इस साइड में, टुंग पिटोली के अंदर में आता है सब, तो कुछ ऐसा दिखता हुआ भाई साहब यहाँ शाम में सब दिख रहे हैं, सब दुकान वुकान सब लगता है इधर शाम के समय में, बस अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बस शाम को लगती है। चलो हम पहुंच गए टुंकी टोली, फिर गिटिल कोचा, फिर अपना घर। तो इस तरह से हम लोग कोकर पहुंच गए हैं काली कोचा ठोकर खाते हुए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंचे ने, तो यहाँ पे है द बंजर अब बॉय यूट्यूबर का घर, ये वाला है देख सकते हैं, इसका कार खड़ा हुआ है बाहर में, ये है द बंजर बॉय का घर है भाई साहब, ये यूट्यूबर बस्ती का हस्ती निकल गया है देख सकते हैं। तो यहाँ से बिलोंग करता है रांची से। हाँ तो नहीं व्यवस्था कर दिया ना सब, तो गए जिस तरह से हम लोग अपना घर पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं अब थोड़ा देर, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, तो यहाँ से अपन लोग घुसते हैं भाई भाई क्या। तो गाली कोचा होके अंदर घुसना पड़ता है, पानी जमा है रोड में, गाड़ी गंदा नहीं करना है, गाड़ी गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, उस दिन हुआ था, धो धा के अभी साफ किए हैं। तो गाइस फाइनली अपना हम लोग घर पहुंच चुके हैं इस तरह से, तो यहाँ से घुसना है। ओहो हो यहाँ गेट बनना है, गेट बन जाएगा संडे को। ये रहा अपना छोटा सा कंपाउंड, चलो बढ़िया निकल गया। तो गाइस फाइनल पहुंच गया अपना घर, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही तो चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब करके बोल रहे ऑन कर देना, ताकि इस तरह का मौसम दिखते रहेगा, क्या कहते हो भाई।